हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उस रात दुर्लभ कश्यप के साथ कौन कौन था और शाहनवाज के गैंग में से दुर्लभ कश्यप को किस किसने चाकू मारे थे। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम उस रात दुर्लभ कश्यप के साथियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला रोशन शर्मा जो अभी हाफ मर्डर के केस में जेल के अंदर है, दूसरा सानू बना जो कि दुर्लभ कश्यप का बहुत करीबी दोस्त माना जाता है, और तीसरा था राजदीप मंडलोई, और चौथा दुर्लभ कश्यप का साथी था चैन सीके, और पांचवा साथी था कुशाग्र सोनी उर्फ मीतू सोनी। इसके बाद लास्ट साथी था अभिषेक शर्मा, जिसने कि दुर्लभ कश्यप हत्याकांड के बयान भी दिए थे और सभी आरोपियों के नाम भी बताए थे। ये उस रात दुर्लभ कश्यप के साथ थे, और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो उस रात दुर्लभ कश्यप को घेर कर उसके ऊपर चाकुओं से वार किया था, जिनमें सबसे पहला है भूरा और दूसरा है भूरा का दोस्त रमीज। इसके साथ ही तीसरा साथी राजा था, जिसने चाय की दुकान पर आकर दुर्लभ कश्यप से बहस की थी। इसके बाद अगला साथी का नाम है शादाब। इसके बाद सिराज उर्फ बाबा हेला, जिसने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, और यही वो शख्स था जिसने दुर्लभ कश्यप के ऊपर बंदूक तान दी थी। इस घटना का मुख्य आरोपी शाहनवाज था, जिसके ऊपर दुर्लभ कश्यप ने गोली चला दी थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस हत्याकांड में ये छह ही आरोपी नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। आपके क्या राय है दुर्लभ कश्यप के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।